कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देत है तो छपरा फार के देत है, यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठी है सिगरौली के एक थे अतिथि शिक्षक के ऊपर, जेकर किस्मत महज कुछ घंटा में बदल गए। अपना को बता दी कि गरीबी में रहने वाला किसान अचानक करोड़पति बन गया। दरअसल एक गेम के टीम बनाए से अतिथि शिक्षक के यह किस्मत बदली और शिक्षक अचानक करोड़पति बन गया। पूरी खबर हम अपना खाते लेके आने तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेल न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सबजने का प्रणाम कहते शुरू कहते एक बड़ी खबर से। अपना को बता दे कि सिगरौली जिला के एक थे अतिथि शिक्षक के किस्मत जो उन्हें भाई कुछ घंटे में बदलेगा। बतावा जाता है कि अतिथि शिक्षक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच भी T20 वार्म अप मैच से पहले ड्रीम टीम बनाए रहा। सिगरौली के रामेश्वर 24 साल के जो अतिथि शिक्षक हैं वो ऑनलाइन गेम में 49 रुपया से अपन टीम बनाए रहे। रामेश्वर के टीम पहले स्थान में रही, एक साथ रामेश्वर का 1 करोड़ के इनाम घला मिला है। सिगरौली जिला के बिंदुल गांव के रहने वाले रामेश्वर शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल धनगढ़ में अतिथि शिक्षक के पद में तैनात था। करीब 2.5 साल से लगातार ऑनलाइन गेम ऐप में टीम बनाए के अपन किस्मत आजमावत रहे, जहां सोमवार का भारत ऑस्ट्रेलिया के भय मैच में T20 मैच में अपना बता दें कि 49 रुपया के 9 ड्रीम टीम बनाए रही, जोने में से उनका एक टीम 1 करोड़ रुपया जीत ली। इसमें के बाद रामेश्वर और उनके परिवार में खुशी के लहर दौड़ गए। अपने को बता दें कि रामेश्वर का 30% के मनोरंजन टैक्स काट के 70 लाख रुपया के भुगतान की जय। रामेश्वर के पिता बताया जाता है कि जगजाहिर जी सिंघा जे एक किसान आई, उनके परिवार के खेती किसानी से गुजारा होत रहा। रामेश्वर गरीबी हालत के सामना कह के MSc के पढ़ाई पूरी करे रहे, जिसके बाद गांव के सरकारी स्कूल में बतौर अतिथि शिक्षक के रूप में अपन सेवा देते रहे। वहीं रामेश्वर के 3 भाई हमा और 3rd नंबर में हमा। अपने बता दें कि 2 बड़ा भाई रामेश्वर के कपड़ा सिलाई के अपन जीवन यापन करा था, जीवन के गुजारा करा था, जबकि 2rd नंबर के भाई जो है चौकीदार बताया जाता है। सबसे छोट भाई कॉलेज में पढ़ाई करतला है। गरीब आदिवासी परिवार से आवे वाले रामेश्वर सिंह के परिवार झोपड़ी में रहते। वह जीत के बाद रामेश्वर के कहा है कि 2 साल से वो ड्रीम टीम बनावत रहे, ए दौरान अनगिनत दर की उहारे पर उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एम जीत के सब कुछ ठीक कह दें उनका या उम्मीद राहत रही। रामेश्वर के मुताबिक उनका यह अनुमान रहा कि कबो न कबो एक दिन वो जीत ही और जाए के अब उनका सपन जो रहा वो पूरा हो गया है। वह रामेश्वर के कहा है कि रुपयन में से सबसे पहले वो अपने और अपने परिवार खातिर घर बनवाई ही, आधुनिक तरीका से खेती करी ही और परिवार के आय बढ़ावे खातिर खेत में फलदार पेड़ घलाए लगवाई ही। अपना बता दें कि रामेश्वर के जीते के खबर लगते है उनके परिवार और मित्र जो उन्हें जश्न मनाए, गांव के लोग मिठाई खवाए के इनका बधाई दी थी। वह मामला में रामेश्वर के कहा है कि ज़्यादातर लोग जल्दी और ज़्यादा रुपया कमाए के लालच में अपन सब कुछ गवाए दे था। ज़्यादातर लोग प्रचलित खिलाड़ियों के साथ टीम बनवा था, ऐसे में उनका कम रिटर्न मिला था। उनका कहा बाबा कि सतर्क रह के और संभल कर खेले से बड़ा नुकसान हुए से बचा जा सकता है। खेल का लत बनाए के नहीं बल्कि आय के मात्र एक विकल्प के तौर में ले। बिल्कुल अतिथि शिक्षक के बिल्कुल सही है कथन, काहे से कि हर टीम जीते नहीं और हर केहू की किस्मत इतना जल्दी पलटे नहीं। तो खेल में पैसा जरूर लगाई लेकिन अपने आर्थिक हिसाब से अपने आर्थिक स्थिति का ध्यान रख के और सिर्फ वही खेल पर भरोसा न करें। संभल के रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल दे। प्रणाम।